नमस्कार, हिंदुस्तान टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भूमिका। आइए देखिए खबर। खबर डबरा से, जहां घर के बाहर खेल रहे 5 साल के बच्चे के अपहरण की कोशिश नाकाम रही। अपहरणकर्ताओं को देखकर घर के अंदर भागा बच्चा। वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। परिजनों ने की पुलिस में शिकायत। आरोपी फरार, पुलिस कर रही है छानबीन। हरिजन छात्रावास की काली माता मंदिर के पास डबरा देहात थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। डबरा से संवाददाता ओम बाबू प्रजापति की रिपोर्ट। आपके जो नाती के साथ कुछ लोग अपहरण करने की कोशिश आए थे, क्या है पूरा मामला बताइए। कल सुबह 9:11 की बात है, मेरा बेटा चित्रगुप्त मंदिर गया हुआ था। घर पर मेरी बहू, उसके दो छोटे बच्चे, एक छोटी बच्ची थी। तीन लड़के मोटरसाइकिल पर आए, इनको हम नहीं जानते, कभी पहले भी नहीं जानते। वो आए, उन्होंने बच्चे को ज़बरदस्ती गेट से उठाने की कोशिश की, ले जाने की कोशिश की, किंतु बच्चे के चीखने पर और माँ के सुनने पर माँ अंदर से गेट पर आ गई, तो वो घबरा कर बच्चे को छोड़ के मोटरसाइकिल पर बैठकर भाग गए। सीसीटीवी कैमरे में ये पूरी घटना कैद हो गई है। उसने कहा क्या कह रहे हैं? 10 मिनट से बात कर रही है। पुलिस को हमने तुरंत 9:45 इन्फॉर्म किया है। सर, अपहरण का जो मामला है, कैसे क्या सूचना प्राप्त हुई है, क्या हुआ? आज सुबह 9:15 के करीब की घटना है। अभिषेक श्रीवास्तव जी हैं, जो हरिजन छात्रावास के सामने काली माता मंदिर के पास रहते हैं। उनका बच्चा 5 साल का आर्यमन घर के बाहर खेल रहा था, तो 3 अज्ञात लोगों के द्वारा मोटरसाइकिल से आकर उसे अगवा करने की, अपहरण करने की प्रयास किया गया। चूंकि उसी समय उसकी माँ ने उसको आवाज़ दी और बच्चा चिल्लाया, तो चिल्लाने की आवाज़ सुनकर माँ बाहर आ गई, तो वो लोग भाग गए। सर, ये घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है, क्या आरोपियों की पहचान अब तक हुई है? प्रयास जारी है, संभवतः बहुत शीघ्र ही आरोपियों की पहचान हो जाएगी। गिरफ्तारी सर कब तक? अपन प्रयास कर रहे हैं, शीघ्र ही अपन इसमें गिरफ्तारी करेंगे।